Assalamu alaikum people. So today I am here at Sajjad at Dodarya. Actually हमें जाना कहीं और था मगर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और सब कुछ क्लोज है तो दो रेस्टोरेंट्स ने हमें जाने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी क्योंकि उनके किचन क्लोज हो चुके हैं. तो मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आप दोदरिया पे आना चाहते हैं एंड यू आर लिटिल बिट लेट तो यहाँ पे जो आपको रेस्टोरेंट खुला मिलेगा दैट इज़ सज्जाद एंड अल हबीब. ये इनकी टाइमिंग्स काफ़ी लेट तक हैं और ये जल्दी बंद नहीं होते. अदरवाइज़ जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो जल्द ही बंद हो जाते हैं. मगर यहाँ पे भी इस वक्त इतनी पब्लिक नहीं नज़र आ रही है बिकॉज़ हम अच्छे खासे लेट हैं. लेकिन दो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है और लकली वी आर लाइक हमें इस तरीके की सीट मिल गई है जो हमें सी व्यू दे रही है. एंड दिस इज मी. अब थोड़ी देर में हम अच्छा एक्चुअली हमारे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे है हमारी जो बच्ची है हमारे घर की, हमारी जिसको वी कैन से आर भतीजी, उसकी बर्थडे है. तो हमारा सेलिब्रेशन करने का इरादा था कि हम बाहर जाके कुछ केक कटिंग वगैरह कर लें. एज सच बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत. और बस अभी हम ऑर्डर देंगे, उसके बाद यहाँ के खाने का रिव्यू मैं आपको बताऊँगी और जो जहाँ से हमने केक लिया है उसके रिव्यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि यार कबाब जी बेकर्स का जो केक है दैट इज़ टू यमी एंड ऑल. वो भी रिव्यूज़ दूँगी. और सज्जाद पे जो हम खाना ऑर्डर करेंगे दैट इज़ लाइक देसी फूड क्योंकि हम देसी लवर्स हैं भाई. ज़्यादा कुछ जो भी कह लो हम तो खाने वाले हैं, दैट इज़ लाइक कढ़ाई एंड ऑल टाइप का स्टफ़. तो उसके भी रिव्यूज़ आपको दूँगी. हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेट इज़ फॉर आर बर्थडे गर्ल एलिजा. इनके लिए चिप्स फ्राइज होना बहुत ज़रूरी है. ये हमने जो ऑर्डर की थी ये है चिकन मंचूरियन. अच्छा अब आप इसकी क्वांटिटी देखें और जो हमारे राइस हैं चिकन फ्राइड राइस आप इसकी क्वांटिटी देखें. केक दिस इज़ हांडी, दिस इज़ कढ़ाई और ये जिंगर. आई विल शो यू दिस इज चिकन कढ़ाई क्योंकि इसके बगैर तो हमारा खाना होता ही नहीं है कम्प्लीट. और ये है यहाँ की हांडी, ये यहाँ की स्पेशलिटी है और ये मैंने पहले भी ट्राई की है और इट वॉज लाइक टेस्टी एट दैट टाइम. अब इसका नहीं पता. सैलेड दैट इज जिंगर. पता नहीं ये जो मैंने क्राउन लगाया ना इससे बड़ी कोई प्रिंसेस वाली फीलिंग्स आ रही हैं. मगर अब हमारा खाना आ चुके हैं और अब हम खाएंगे इसे एंड देन आई विल लेट यू नो कि इसका कैसा टेस्ट है और कैसा नहीं. ये मैंने बच्ची का मारा टू बी ऑनेस्ट आई एम लाइक ओके. तो अगर मैं रिव्यू करूँ इस खाने को तो टू बी ऑनेस्ट जायका वॉज नॉट गुड एट ऑल. मैं उस वक्त नहीं कर सकी थी क्योंकि उस वक्त बहुत जल्दी था हमें और निकलना था. लेकिन इनके जो रोकनी नान थे ये अच्छे नहीं थे. लाइक होता है ना कभी भी मैंने जहाँ भी ट्राई किया है कभी भी आप साइड नहीं छोड़ते हो और नान बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन नान टेस्टी नहीं थे. और ना कढ़ाई का जायका इतने मज़े का था क्योंकि यार मुझे लगता था दोदरिये पे जितने रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं सबका टेस्ट जो है अच्छा होता है लेकिन सर्विसेज डिफरेंट होती हैं. मगर टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगा. लाइक अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो आप कबाबजी चले जाओ या फिर आप कलाची चले जाओ. थोड़े से रेट्स अप एंड डाउन होता है लेकिन टेस्ट नहीं था. लाइक इनके नान बिल्कुल अच्छे नहीं थे और इनकी हांडी का भी कुछ ऐसे ही हाल था. लाइक भी कोई इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी. और अगर हम फ्राइड राइस की बात करें तो लास्ट टाइम ये मैंने ट्राई किए थे कुलाची में और यकीन माने वो लाइक इतने बारीक था वो चावल और इतना अच्छा था, लंबा चावल था. लेकिन ये वाले जो थे ना कुछ लाइक मुझे ये अच्छे नहीं लगे और मोटे भी थे. लाइक अच्छा नहीं था टेस्ट इसका भी. अगर मंचूरियन के साथ राइस ही अच्छे नहीं हों तो फिर मज़ा किस तरीके से आ सकता है. राइस तो इसका टेस्ट ठीक था, ये अच्छी थी मगर राइस अच्छे नहीं थे. जिंगर वॉज गुड अगेन लेकिन हम तो वो ये खाने नहीं गए थे. हम तो देसी लोग हैं और हमें तो कढ़ाई हांडी ये सारे खाने मज़े के लगते हैं. ओके जी तो अब बारी है हमारे केक को रिव्यू करने की. एस आई एम अ बिगेस्ट वी कैन से केक लवर और मुझे केक्स बहुत पसंद हैं. लाइक हमने कबाबजी बेकर से फर्स्ट टाइम केक लिया है और ये अब
कराची में मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ है, लाइक खुल चुकी है इसकी ब्रांचेस। लेकिन जो बात कहने की है तो केक वॉज लाइक हेल लव, यू नो, लाइक बहुत ज़्यादा मज़े का था। और इसका नाम था चॉकलेट हेवन, बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड आई रियली रियली लव दिस केक। और इवन हमारे साथ मौजूद तमाम लोगों को खाने से ज़्यादा केक मज़े का लगा, लाइक सब यही बोल रहे थे कि केक बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाइक केक वॉज सो फ्रेश, लाइक चॉकलेट अंदर बहुत, अगर इसके नाम ही चॉकलेट हेवन है तो आप सोच सकते हैं कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा थी, लाइक लावा टाइप जिस तरीके का टेक्सचर था इनका, लाइक रियली रियली टेस्टी, लाइक 100 on 100, लाइक बहुत ज़्यादा मज़े का केक था। और मैं हमेशा इसको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग के अब जिसकी भी बर्थडे आपकी फैमिली में आ रही है तो इट्स लाइक वेरी इजी टू बाय फ्रॉम देयर, लाइक हर जगह ही है अब ये अमूमन, और रेट आर आल्सो रीजनेबल, लाइक और मुझे टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा मज़े का लगा है। सो गो फॉर कबाब जी बेकर्स, राइट? ओके, सो दैट्स इट गाइस। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और आपकी फैमिली के पैसे सेफ हो सकें और आप लोग कुछ अच्छा मज़े का खा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।